कोबरा सांप था, कोबरे सांप को ही खाया था। अब सोचिए जहरीला सांपों के सांप को खा लिया, और उसको बता दे कि ये सांप ही खाया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। अब दोस्तों देखिए, इस विद्वानों को, इन जलेजानों को बताते हुए आज दोस्तों करमगिरी चौराहा पे, जो कि दोस्तों जस्ट हमारे यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। और उसमें देखिए सुबह का टाइम है, और इस मकान के पीछे जो बहुत बिग साइज का इंडियन स्पेकल कोबरा सांप दिखाई दिया है। तो वीडियो के अंदर बने रहिए, और आइए दिखाते हैं कौन सा सांप है और कैसा है। ए भैया, तब से भी हम भगा नहीं है, नहीं भगेगा भैया। आइए दोस्तों, सब लोग देख पा रहे हैं कि चारों तरफ खेत वगैरह है, और उसी ईट में काफ़ी बिग साइज का इंडियन स्पेकल कोबरा सांप बैठा हुआ है। निजमा जाने का रास्ता कहाँ से है? अच्छा हाँ, नहीं चलो आगे चलो। आइए दोस्तों, देख सकते हैं पूरा चारों तरफ धान की फसल है, और खेतों में पानी है। जो जहरीले सांप होते हैं वो अक्सर पानी में, पानी से बचते हैं सब। तो आइए मैं चाहूँ उसको एक बार दिखा दीजिए। दोस्तों देख पा रहे हैं बहुत ही बिग साइज का इंडियन स्पेक्टल कोबरा है, और उसे कुछ खाया है, इसके पेट में कुछ ना कुछ है, जस्ट शिकार किया है। अब क्या खाया है कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसको इसके पेट में हुआ। हाँ, आइए नीचे, आप लोग आ सकते हैं। आइएगा, 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 आइए आइए। अरे कहाँ, किस साइड गया है? अरे गायब हो गया, अब मतलब इसमें गया ना। अरे यार, ईटवा हटाना पड़ेगा। आइए बताइए, ईटवा को हटाना पड़ेगा, हल्दी हटा दीजिए ना। अरे बस वो हटा दीजिए। हाँ पकड़िएगा भाई, 2-3 लोग आइए शाम से, भाई कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाएगा नहीं। अलग अलग ज़्यादा टाइम से यहाँ पर है, आज आप लोग देखे हैं। बस इतना है, इतना फेंकेंगे ना सर यादव, उन्हें फेंकना सर यादव। तो सब लोग देख पा रहे हैं तकरीबन 140 देखना भाई, यही नीचे आ रहा है। 140 ज़्यादा ईंटा हम लोग हटा चुके हैं, और यहाँ पर 8.5 टाली ईंटा है, 9 टाली के करीब करीब में है। और सो बहुत बिग साइज का इंडियन स्पेशल कोबरा है, बहुत मोटा सांप है। और सो जो सांप है, सांप को ही खाया था 2 दिन पहले, और शायद हो सकता है कि उसके पेट में वही सांप हो, जिसके कारण और मोटा दिखाई दे रहा है। और मैं दिखा दूँ, ये सब ईंटा है, इतना हटा दिए हैं सब। तो देखिए बहुत ही हटा है। तो सब वीडियो के अंदर बने रहिएगा, और चलिए हटा के उसको निकाल के दिखाते हैं क्या खाया है पेट में और कैसा सांप है। देखिए फिर से सांप दिखाई दिया है, जल्दी आ जा, अरे हटा मत जल्दी। दोस्तों अभी सांप को दिखाई दे, मैं चाहूँगा दिखा दीजिए, वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हेलो सर, हाँ दिखे उसको सफेद का, हटिए हटेगा। दोस्तों देखिए निकल रहा है आगे, दोस्तों देख पा रहे हैं शांत रहिए। दोस्तों बहुत बिग साइज का है, ठीक है यहाँ पर आगे। दोस्तों यहाँ निकल रहा है, हाँ नहीं नहीं जाना जी। दोस्तों बहुत, दोस्तों देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक है। ना भागी मर रहे, चलिए ठीक है फिर हट 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 हटो। भाई का, अरे अब नहीं भागेगा भाई, अब घेर घिर गया। हाँ सुध क्या गया, अब जाके मिला है। दोस्तों बहुत बिग साइज का स्पेक्टल कोबरा है, और इतने टाली ईटा फेंकने के बाद मिला है।
देखिए दोस्तों, बहुत बिग साइज का है। अरे बाप रे दोस्तों, बहुत बिग साइज का कोबरा है, इतना बड़ा सांप है। अरे बाप रे, आइए, बहुत बड़ा सांप है यार। अरे यार इतना दोस्तों, ये सांप ही खाया था। और सो ये तकरीबन बहुत पुराना सांप है। चलिए बाहर बात ले, बाहर बाहर ऊपर चलिए। दोस्तों ऐसा सांप बहुत रेयर है, बहुत कम समय में मिलता है। दोस्तों देख पा रहे, बहुत बिग साइज का स्पेक्टल कोबरा है। साला ऐसा लग रहा है किंग कोबरा है। दोस्तों बहुत बिग साइज का देख पा रहे हैं, एक बार बाइट करे करे। और उसको बता दें कि ये सांप ही खाया था, इतना मेहनत कराया मिल गया। हाँ छोड़ दिए होते तो उसमें घुस जाता। ले चलिए बाहर, ले चलिए, ले चलिए। बहरा बहरा भीड़ लगेगा, कोई मतलब नहीं है। ले चलिए बाहर, ले चलिए देखने दीजिए। देख किस तरह मुँह बाहर, चल रहे चल रहे। चलिए दोस्तों बाहर लेकर चलते हैं। और दोस्तों ये सांप होके सांप को ही खाया था, और तो बहुत भारी है, तकरीबन 2 किलो का ही होगा, 2 किलो ज़्यादा होगा। आइए यहाँ पे आगे आगे चलो आगे। तो बहुत बिग साइज का कोबरा, चल निश्चित रहिए। और तो इसके पेट में कुछ ना कुछ है, इसके पेट में सांप सांप ही होगा, तो पचा लिया है। तो चलिए दोस्तों इसको पैक कर लेते हैं। दोस्तों ये सांप खाया था इसीलिए इतना इसी स्मेल कर रहा है। अरे तो सांप खाए तो लटिया महकेगा नहीं, पचा लिया है सांपवा को, 3 दिन पहले खाया था ना। आइए दोस्तों अंदरवा उल्टी किया है, तो आइए दिखाते हैं कौन सांप है। हाँ आइए 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 दोस्तों। दोस्तों जो सांप है ये सांप को ही खाया था, और ये उस वक्त उल्टी भी किया इसलिए स्मेल कर रहा था। तो आइए देखते हैं कौन सांप था, वो किस सांप को खाया था। दोस्तों देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ईंट को हटाए हैं तब जाके मिला है। दोस्तों अंदर अंदर उल्टी किया, देखिए चमक रहा है। दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए बस मैं आया हूँ कि कौन सा सांप खाया है। आज गेहुआ नहीं खाया था यार, गेहुआ सांप के खेल रहा था। दोस्तों देख पा रहे हैं कोबरा सांप था, कोबरे सांप को ही खाया था, निकाला जाए। सोच लीजिए गेहुआन हो के गेहुआन सांप को ही खाया था। दोस्तों देखिए रुके और निकाले हटोगे। दोस्तों आप लोग खुद सोच सकते हैं, एक सांप होके सांप को ही गेहुआन सांप को ही खा लिया था, इतना बड़ा कोबरा, और कोबरे सांप को ही खा के देखिए पचा दिया है, देख पा रहे हैं दोस्तों। चलिए बाहर ले चलते हैं इसे। अरे बाप दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा सांप था, देख पा रहे हैं, देखिएगा दोस्तों देखिएगा। हाँ ये भी गेहुआन है, एकदम उसके ही बड़ा है, देखिए। सोच लीजिए इतना बड़ा, इसको दफनाना आइए। सोचिए ये भी गेहुआन सांप है, और गेहुआन सांप हो कि गेहुआन कोई खाया था। आ ये भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, दीदी देख रहे हैं। अब सोचिए जहरीला सांप हो के सांप खा लिया, आ किसका है, दो उठाओ।